विमेंस इन ब्लू अपने पहले वर्ल्ड कप खिताब के लिए हैं पूरी तरह तैयार, लेकिन ब्लूज को चैलेंज करने के लिए दुनिया की बेस्ट टीमें भर रही हैं हुंकार। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार विमेन इन ब्लू वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सूखा करेंगी खत्म? आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बज चुका है बिगुल। फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है, काफी टाइम हो गया हम लोगों ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन एंड वी एंजॉय दैट चैलेंज। प्रेप वाइज आई थिंक वी हैव ऑल प्रिपेयर्ड, वी ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिस एंड नाउ इट्स जस्ट टाइम टू यू नो डू योर फाइन ट्यूनिंग। वी गॉट आवर प्लान्स रेडी। आई थिंक एज अ टीम वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव डन व्हाटएवर इट टेक्स, इट्स जस्ट नाउ टाइम फॉर अस टू गो ऑन फील्ड एंड एग्जीक्यूट। पहले मुकाबले में भारत का न्यूजीलैंड से होगा घमासान। भारतीय विमेंस टीम ने अपने पहले T20 वर्ल्ड कप खिताब की तलाश कर दी है शुरू। टीम इंडिया आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ कर रही है अपने मिशन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत। फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है, काफी टाइम होगा हम लोगों ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली। बड़े मंच के लिए कैसी है तैयारी, दिखाएंगे शो में। कैसी है भारतीय टीम की ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की ट्यूनिंग, खुद जानेंगे दोनों से। हम दोनों का एक यू नो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। आई नो हर स्ट्रेंथ, शी नोज माय स्ट्रेंथ्स। पता है कि किसको सिंगल कब देना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन होगा भारतीय टीम का एक्स फैक्टर, शो में बताएंगी भारतीय स्पिनर पूनम यादव। जिस तरीके का फॉर्म जेमी, दीप्ति, ऋचा घोष जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और शेफाली वर्मा, ये चार खिलाड़ी बल्लेबाज में मुझे लगता है अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा अपनी भारतीय टीम के लिए तो हम वो मैच जरूर जीतेंगे। शो शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के विमेंस T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल पर। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मिशन की कर रही है शुरुआत। 6 अक्टूबर को भारत का दूसरा मुकाबला ग्रेटेस्ट राइवल पाकिस्तान से होगा, तो 9 अक्टूबर को टीम इंडिया एशिया कप 2024 की चैंपियन श्रीलंका से टकराएगी। इसके बाद 13 अक्टूबर को भारतीय विमेंस टीम का आखिरी लीग मुकाबला टफेस्ट राइवल ऑस्ट्रेलिया से होगा। दुबई में मिशन T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी भारतीय विमेंस टीम कैसे कर रही है तैयारी, आइए देखते हैं भारतीय विमेंस टीम के सफर को। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए दुबई रवाना होने से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हेड कोच अमोल मजुमदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। इफ आई टॉक अबाउट दिस टीम, वी हैव फ्यू प्लेयर्स हु प्लेड यू नो हु बीन प्लेइंग फॉर लॉन्गर टाइम एंड दे नो देयर रोल्स रियली वेल एंड या आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट विद दिस टीम एंड आई कैन से दैट या दिस इज द बेस्ट टीम वी आर गोइंग फॉर T20 वर्ल्ड कप। प्रिपरेशन इज कंसर्न आई कैन टॉक अबाउट दैट, we are absolutely prepared for anything and everything, so all I can say is that we are ready to fly into Dubai. For us preparation matters a lot, definitely you know we want to win the World Cup and we are looking to you know the positive results, but at the same time process matters a lot and in last couple of weeks you know we really worked hard and really looking forward for this tournament. टीम का पूरा फोकस पहले मुकाबले को जीतने पर है और यही वजह थी कि टीम जल्द ही अपने पहले नेट प्रैक्टिस सेशन के लिए एक्शन में नजर आई। T20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच से की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सिर्फ 23 रन पर 3 विकेट गवा दिए। नंबर 3 की डिबेट को शांत करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद पहला विकेट गिरने के बाद मैदान में उतरी, लेकिन वो सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। जेमिमा रॉड्रिक्स ने टीम को संभाला और 52 रन की पारी खेली। रॉड्रिक्स की हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 141 रन लगाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट को पूजा वस्त्राकर ने फ्रंट से लीड करते हुए वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।
टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 20 रन से हरा कर अपने कैंपेन की शुरुआत की। एक दिन के ब्रेक के बाद दूसरे वार्म अप मैच में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऋचा घोष ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए और भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 145 रन का टारगेट रखा। साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 116 रन ही बना सकी और भारत ने दूसरा वार्म अप मैच 28 रन से जीत लिया। भारत के लिए 2 विकेट लेकर आशा शोभना पिक ऑफ द बॉलर्स रही। आज होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी सबसे ज्यादा निगाहें, जो न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम को दिलाना चाहेंगी तूफानी शुरुआत। मैदान पर दोनों का कैसा रहता है मिजाज, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं से। लॉट ऑफ फन एक्चुअली बैटिंग विद शेफाली, द कन्वर्सेशंस आर रियली फनी। आई होप कभी माइक ना लगा हो, बिकॉज़ इट्स प्रीटी फनी टू यू नो द कन्वर्सेशंस आर, हम लोग कभी भी कुछ भी बात कर सकते हैं। बट या आई थिंक ओवर टाइम, काफ़ी टाइम हो गया कि हम, आई थिंक 3-4 साल हो गए कि हम साथ में ओपनिंग कर रहे, तो एक दूसरे का गेम अभी जान रहे हैं, एक दूसरे का माइंडसेट भी जानते हैं कि कौन कब अंडर प्रेशर है या कौन कौन बेटर खेल रहा है। सो आई थिंक, और उस चीज़ में ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको कुछ बोलती हूँ वो मुझे, हम दोनों का एक यू नो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। बहुत बार इवन हम धनशराज भी खेल लेते और बता देते एक दूसरे को नॉन स्ट्राइकर से कि यू नो शायद ऊपर से खेली, झुक के खेल ले या जो भी है, यू नो ऑल दो स्मॉल इनपुट्स। बट हाँ, एंड कभी कभी वो भी कभी बोल देती है, दीदी आप थोड़ा दूर से खेल रहे हो, ये कर लो। तो यू नो एक बॉन्डिंग बैठ गई है, फिर समझ जाता है कि ये अभी कुछ तो कोई तो शॉट मारेगी विच इज़ नॉट गोना बी गुड, तो उस टाइम बोलना कि इट्स ओके, सेम थिंग फॉर हर ऑल्सो, शी डज इट। सो आई थिंक वो बॉन्डिंग बैठ चुकी है, आई नो हर स्ट्रेंथ, शी नोज माई स्ट्रेंथ, पता है कि किसको सिंगल कब देना है। तो आई थिंक दैट वे आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बैट, एंड स्पेशली द पावर प्ले टाइम, दो ही फील्डर है, तो एज यू सेड आई थिंक इफ वी गेट गोइंग एंड वी यूटिलाइज दैट पावर प्ले, इट्स ऑलवेज यू नो गुड फॉर द टीम। आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं स्मृति जी के साथ ओपनिंग करते, एंड अभी तो फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है द हाउ शी इज़ फीलिंग, हाउ आई एम फीलिंग वाइल बैटिंग। तो या बहुत अच्छा रहता है, एंड वी बोथ नोज आवर वीकनेस, आवर स्ट्रेंथ, सो वी आर जस्ट थिंकिंग टू यू नो जस्ट गिव स्ट्रेंथ टू ईच अदर, जस्ट गिव पॉजिटिव वाइब टू ईच अदर, बिकॉज वी हैव टू डू वेल फॉर आवर टीम, फॉर आवर कंट्री, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट वी बोथ आर फॉर द टीम, फॉर द पावर प्ले एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ओवर्स एज वेल। सो हम यही सोचते हैं कि जस्ट डू वेल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर टीममेट्स, फॉर योर कंट्री। विमेंस टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 13 बार भारत और न्यूजीलैंड का आमना सामना हुआ है, जिसमें से भारत ने 4 और न्यूजीलैंड ने 9 मुकाबले जीते हैं। वहीं 2019 से इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच हुई 4 भिड़ंत में भारतीय टीम सिर्फ एक बार जीतने में कामयाब रही है, लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप का मंच होता है तब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बराबर की टक्कर दी है। भारत से मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की खिलाड़ियों ने भारतीय विमेंस खिलाड़ियों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। Very talented, and New Zealand hasn't actually played them a lot recently. Obviously, with the WPL, they've created a lot of depth and they've got some big game players. So I think the power hitting they have in their top order is, you know, one of the best at the tournament. So that's going to be a real challenge when we come up against them. First game against India, it's a massive one. They've been very successful in T20 World Cups, and you know they've got some powerhouse names: Harmanpreet Kaur, Smriti Mandana, Jemima Rodrigues. So I think it's a huge game for us, and I think every game we play is going to be like a final, so it's a massive one. Harmanpreet Kaur is one of the most competitive people you'll play against. I think she's led that Indian team extremely well with the pressure that they're under, so she's, yeah, a tough competitor. Harmanpreet, she is competitive. I think that's what makes her special. She wants to be the best and she wants to win. She trains very well. And again, when she flicks a switch, her ball striking ability, like Sophie's, is one of the best in the world. She can win games out of nowhere. So she's an extremely dangerous player.
And, you know, she's led India for a long time now and franchise leagues in Mumbai. She was calm and she cares so much about the game. So, yeah, they're quality India. They're led well and they've got a superstar captain. But we've got to focus on what we do well first. One of the best opening batters in the world. For whatever reason, left-handers always look more elegant than right-handers. So she's got a beautiful batting style and she can take the game away from any team. And I've been fortunate enough to play on a team with Smriti, and she's also such a kind soul off the field as well. Smriti is a very classy, elegant left-handed batter. They sometimes always look better when they're left-handed. But yeah, I guess her cover drive and ability to hit over the offside is what stands out for Smriti. And yeah, we have to put some good plans in place. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शो में है बहुत कुछ खास। Team India, we are proud of you. All the very best to the Team India. For the Women's World Cup. Women in Blue, we believe in you. I'm really excited to see the girls perform in the upcoming Women's World Cup. There is so much to look forward to. All the best, girls. Make us proud. Just have fun, enjoy yourselves. And I guess if you do that, then everything else follows from there. So good luck and bring it home. Women's World Cup होने वाला है और मैं हमारी women's team को all the best कहना चाहूँगा और मैं आप सबके matches शुरुआत से preparation अभी तक सब देख रहा हूँ और मुझे लगता है हमारी team बहुत ही strong है and I hope you really get the cup. बॉल द ब्लूज में एक बार फिर आपका स्वागत है, एकमात्र ऐसा शो जो देता है आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट। आज हमारी भारतीय विमेंस टीम दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मिशन T20 वर्ल्ड कप की कर रही है शुरुआत। बड़े टूर्नामेंट के लिए कैसी है हमारी ब्लूज की तैयारी, आइए सुनते हैं। दुबई हीट हैजंट बीन रियली इजी. Coming from India, of course, we have to be more used to the heat than the other teams, but I think the first 2 days were a little tiring, but I'm sure that till we reach the first match, I'm sure we'll get used to the conditions a lot more. First day was hard because we were not used to like what to expect. Felt like Mumbai, I'm very, very used to the humidity, but yeah, it's very hot. फर्स्ट दिन हम जब प्रैक्टिस करने के लिए गए थे दुबई में, सांस भी नहीं आ रहा था फर्स्ट दिन तो. बट या अभी यूज्ड टू हो रहे हैं कंडीशन के साथ एंड हीट के साथ. आई नो इंडिया में हीट होती है काफ़ी, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा एक्सट्रीम है. गर्मी तो रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस गर्मी में कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे. ट्राइंग टू कीप अवर सेल्फ जितना हाइड्रेट रहें, जितना फिजिकली और मेंटली फिट रहें, बिकॉज आगे आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है. काफ़ी टाइम होगा हम लोगों ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन एंड वी एन्जॉय दैट चैलेंजिंग. प्रेप वाइज आई थिंक वी हैव ऑल प्रिपेयर्ड, वी ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिस एंड नाउ इट्स जस्ट टाइम टू यू नो डू योर फाइन ट्यूनिंग. इट्स अ वेरी एक्साइटमेंट मोमेंट फॉर अस, जल्दी मैच स्टार्ट हो जाए. यही है हमारे लिए एक्साइटेड मोमेंट. वी गॉट आवर प्लान रेडी. I think as a team, we are prepared, we've done whatever it takes. It's just now time for us to go on season 8. आज दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय विमेंस टीम का एक्स फैक्टर कौन होगा साबित? क्या शेफाली वर्मा की फॉर्म भारतीय टीम के लिए है समस्या? और नंबर 3 पर किसे करनी चाहिए बैटिंग? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स कॉर्नर में टीम इंडिया की स्पिन सेंसेशन पूनम यादव से. शेफाली वर्मा जिनका नाम मैंने धाकड़ रखा है, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है जब वो शुरुआत करती है भारतीय टीम के लिए तो बहुत बेहतरीन फॉर्म रहता है. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपको 6 ओवर में 50 या 6 रन आपके 2 ओपनर लगा देते हैं तो थोड़ा सा जो मिडिल ऑर्डर है और जो उसके बाद लोअर ऑर्डर जो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वो फ्री बैटिंग कर पाते हैं.
और दूसरा कारण, अगर आप ये दो मैचेस किसी प्लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका पावर इन दो मैचेस में दिखानी, लेकिन वो खिलाड़ी एक ऐसी है जो अपना गेम कभी भी चेंज नहीं करती हैं, और ये सबसे अच्छी खूबी कह सकते हैं आप किसी प्लेयर के लिए, कभी भी उन्होंने अपना गेम चेंज नहीं करा है। वो अगर पहले मैच में आउट हुए तो भी उन्होंने अपना वही जो उनका फायर है, उन्होंने वही अपना खेल दूसरे गेम में भी उन्होंने वही दिखाया। लेकिन मुझे लगता है वो जैसे ही वर्ल्ड कप चालू होगा, मुझे लगता है डे वन से वो फॉर्म में रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी भारतीय टीम को। दीप्ति शर्मा स्पिन अटैक को लीड करती हैं सामने से हमेशा, क्योंकि चाहे आप उनसे पावर प्ले में गेंदबाजी करवा लीजिए, चाहे उनसे मिडल ओवर में गेंदबाजी कराइए, चाहे आप उनसे डेथ ओवर में उनसे बॉलिंग कराइए, तो वो हमेशा अच्छे फॉर्म में रही हैं। जब जब टीम को दरकार हुई है विकेट लेने की, उन्होंने हमेशा विकेट को ब्रेक थ्रू दिलाए हैं, और वो हमेशा एक की प्लेयर रही हैं भारतीय टीम के लिए, और उनको समझ है, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए, तो उनको जब भी ज़रूरत होती है, एक विकेट की दरकार होती है, तो कप्तान हमेशा दीप्ति शर्मा की तरफ देखता है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन फॉर्म उनका दिखने वाला है यूएई में। और दूसरी बात, और भी स्पिनर्स हैं, लेकिन आशा शोभना भी हैं जो लेग स्पिनर हैं, तो किसी भी कंडीशन में अगर आप 7:30 बजे का मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर है जो किसी भी विकेट पे घुमाने की काबिलियत रखता है और घुमा सकता है। तो और उसके बाद आप देखें राधा और श्रियंका पाटिल और सजना सजीवन, हेमलता और सजना सजीवन बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो कि थोड़ा थोड़ा बॉलिंग करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन श्रियंका पाटिल और राधा यादव, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन वहीं पर दीप्ति शर्मा को आप देखें तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस भरा पड़ा है, तो वो हमें देखने के लिए मिलेगा यूएई की पिच पे। देखिए, अगर आप पहले मैच की बात करें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके का फॉर्म जेमी, दीप्ति, ऋचा घोष जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और शेफाली वर्मा, ये चार खिलाड़ी बल्लेबाज में, मुझे लगता है अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा अपनी भारतीय टीम के लिए, तो हम वो मैच जरूर जीतेंगे। और गेंदबाजी में देखें तो दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर, ये बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है अपनी भारतीय टीम के लिए, और रेणुका ठाकुर जिनका प्रदर्शन अभी मुझे इतना देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि पहले मैच में उनको खिलाएं और वो अच्छा प्रदर्शन करें। और स्पिनर्स में अगर आप देखें आशा शोभना, मैं चाहती हूँ वो खेलें, क्योंकि एक रिस्ट स्पिनर आपके लिए की रोल होता है हमेशा, तो मैं चाहूंगी कि उन पर भी नजर रहे, क्योंकि उनको एशिया कप में भी उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप उनको चांस देते हैं इन विकेट्स पे, तो मुझे लगता है कि वो एक आपके टीम के लिए एक इफेक्ट डाल सकती हैं टीम विनिंग में। फॉलो द ब्लूज के हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हैशटैग फॉलो द ब्लूज के साथ सोशल मीडिया पर अपने राय और विचार देना बिल्कुल ना भूलें। कल सुबह 9 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर फॉलो द ब्लूज के नए एपिसोड के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए अलविदा। भारतीय विमेंस टीम के लिए फैंस भेज रहे हैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आज से अपने मिशन T20 वर्ल्ड कप 2024 की कर रही हैं शुरुआत। Definitely, we think India is going to win this time, and I'm very confident about Harmanpreet Kaur. She has been wonderful in all the leagues. She has done wonderful captaincy even in WPL, and I'm definitely think that her attitude will help the Indian team to win this World Cup. I'm an Indian, and I definitely want to Indian to win. I love their balanced team as well. India is a complete package because they have good bowlers, good batsmen, and everything, a complete package. So I feel that, and I'm 100% confident that India will win. There are good players in that. We have Richa Ghosh, Jemima, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur, and also we have few bowlers also which can also win that team with that aggression. Like recently, men's also T20 World Cup, they have also won. So yeah, even I think so, even women's also will lift the World Cup. My favorite and my wholehearted love to Shyanka Patil. I'm expecting a lot from her this time, as she had kept a lot of hopes in the earlier matches. Cheers to India team to win the World Cup this time. My favorite player is Smriti Mandhana, so I'm looking forward for her to score more runs in the T20 World Cup, and yes, she'll make the country proud. Jitega bhai, jitega, India jitega.